अंधेर नगरी चौपट राजा। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इस वाक्य का प्रयोग मैंने क्यों किया। तो आपको बता दूं कि इस वाक्य का प्रयोग बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राज्य निर्वाचन आयोग के लिए किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। जी हाँ, बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राज्य निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग भगवा रंग में रंग गया है, लेकिन विडंबना यह है कि बिहार में खुद भाजपा के अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयोग पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने राज्य निर्वाचन आयोग को कठघरे में खड़ा किया है। यह मामला आदर्श आचार संहिता लागू होने या नहीं होने के संदर्भ में है। दरअसल संजय जायसवाल ने राज्य निर्वाचन आयोग को सरकारी बाबुओं का दफ्तर बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी सांसद या विधायक को नगर में 6 महीने पुरानी सड़कों का भी उद्घाटन करना होता है तो डीएम हमें नियम समझाने लगते हैं और कहते हैं कि आदर्श आचार संहिता लागू है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के कार्यक्रम करने में भी आदर्श आचार संहिता की दुहाई देकर रोक दिया जाता है। संजय जायसवाल ने कहा कि इधर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सभी विभागों के सचिव खुलेआम पटना के गांधी मैदान में पुरानी नौकरियों को नया बताकर नियुक्ति पत्र बांटते हैं, गया में नल जल योजना का सार्वजनिक उद्घाटन करते हैं, सभा करते हैं, लेकिन इनकी सुधी आयोग को नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि यदि सांसद या विधायक शहर में आदर्श आचार संहिता के कारण कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते तो फिर सीएम, डिप्टी सीएम, प्रधान सचिव किस नियम के तहत नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, किस नियम के तहत नदी जल योजना का उद्घाटन किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या यह नगर में लगे आदर्श आचार संहिता के तहत नहीं आता। संजय जायसवाल ने कहा कि अगर आता है तो सीएम और डिप्टी सीएम पर आयोग ने एफआईआर क्यों नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि यह उस दायरे में नहीं आता है तो फिर सांसद विधायकों को क्यों इसका पाठ पढ़ाया जाता है। अंत में उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। इस तरह बिहार भाजपा अध्यक्ष ने राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है। अब देखना यह है कि मामले में राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार की तरफ से क्या बयान आता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल रबजी लाइव के साथ, और अगर आप हमारे चैनल रबजी लाइव पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही तमाम अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।